जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज ये अचानक से फेसबुक लाइव एक जरूरी आंदोलन से आप सब तक वो आंदोलन पहुंचाने के लिए स्पेशली निवेदन बिजनौर जिले के जो रहने वाले लोग हैं या बिजनौर जिले के जो आसपास के लोग हैं, ये उनसे आग्रह है मेरा, लेकिन आपके जरिए पूरे देश को भी मुझे ये बताना है कि हम लोग कहाँ हैं और क्या हो रहा है। प्रिय साथियों, समय समय पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। आज हम लोग हैं नगीना लोकसभा के जिला बिजनौर में, कलेक्ट्रेट यानी के जिला अधिकारी कार्यालय पर। और क्यों है, उसका कारण है कि अभी मैं 3 दिन पहले एक गांव में सभा कर रहा था। सभा के दौरान एक महिला, एक मां मेरे पास पहुंची और उसने मुझे बताया कि यहां गुलदार का आतंक है। गुलदार, आप उसको लेपर्ड भी कह सकते हैं, आप साधारण भाषा में उसको क्या कहते हैं, यहाँ गुलदारी कहते हैं या तेंदुआ? गुलदार बोलते हैं साधारण भाषा में, गांव के लोग समझाने गुलदार बोलते हैं। गुलदार तो यहाँ पिछले कुछ समय में बिजनौर, अगर आप बिजनौर को ऐतिहासिक देखोगे तो बिजनौर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर है। बिजनौर के बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है, एक तरफ जिला हरिद्वार, दूसरी तरफ जिला उधम सिंह नगर। तो हमने 21 तारीख में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए कार्यकर्ताओं से एक आंदोलन करने के लिए कहा, क्योंकि इस गुलदार के हमले में अभी तक 25 से 26 लोगों की जान चली गई और मेरे इस घोषणा के बाद एक 12-13 साल की बच्ची को परसों गुलदार ने निवाला बनाया। ये सारी जाने क्या तो किसान परिवारों की हैं या मजदूर परिवारों की हैं या गरीब जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके परिवारों की। अब सवाल यह है कि बिजनौर और उत्तर प्रदेश और देश में क्या इंसान की जीवन की कीमत इतनी कम हो गई है कि 25-26 घटना होने के बाद भी ना सरकार ने या ना यहाँ के अधिकारियों ने उन परिवारों की सुध ली, ना उनके लिए कोई मुआवजा दिया, ना उनसे बात की, ना उनके दुख को दर्द को कम करने का प्रयास किया, सिवाय अगर किसी गांव में गुलदार दिख जाता है या आ जाता है, वहां के लोग फोन करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि गांव छोड़ के कहीं और जाके रह लो। क्या किसी नेता के साथ अगर होता ये तो क्या पुलिस यही जवाब देती, प्रशासन यही कहता? क्या किसी अधिकारी के परिवार के साथ ऐसा तो क्या पुलिस और सरकार प्रशासन यही कहती? या फिर किसी व्यापारी के बेटे के साथ ऐसा होता, बेटी के साथ होता, पत्नी के साथ ऐसा होता, पिता के साथ ऐसा होता, माँ के साथ ऐसा होता, तो क्या प्रशासन और पुलिस का यही रवैया रहता या सरकार का की संवेदनशीलता जो मर गई है, सरकार संवेदनहीन हो जाती? ये सवाल यहाँ के जिला अधिकारी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है और उनको जवाब देना है, हम यहाँ जवाब मांगने के लिए बैठे हैं, तो वो यहाँ से नदारद, क्योंकि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री की रैली है, वो उसका बहाना बना के यहां से इधर उधर। लेकिन सवाल ये है कि 26 लोगों की जान चली गई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आज हम लोग जिला कार्यालय पर बैठे हैं और जब तक यहां के जिलाधिकारी आकर सरकार के लोगों से बात करके हमें आश्वस्त नहीं करेंगे कि उन्होंने गुलदारों का हमला रोकने के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है, कल ये भी नहीं पता
किसकी बच्ची, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसकी किसकी पत्नी, किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसकी हत्या हो जाए, कुलदार किसको उठा ले जाए। कई लोग मेरे पास आए, एक माँ ही जिसके आंसू नहीं सूख रहे थे, जिसका कहना था कि उनके 19 साल के बेटे को, बेटी को गुलदार उठा के ले गया, जिसकी शादी तय हो गई थी। एक किसान परिवार, सिख परिवार से एक साथी है, जिनके जवान बेटे को पानी देने का, 23 साल के अकेला बेटा था, उसको गुलदार उठा के ले गया। और ये हत्याएं भी ऐसी सामान्य हत्याएं नहीं, गुलदार जिस तरह से नोचता है इंसान को, आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं बिजनौर और बिजनौर के आसपास के साथियों से कहूंगा कि जो बहुत नजदीक हो वो अब आ जाए, बाकी हमारे साथी कल सुबह बिजनौर पहुंचने का काम करें, जिला अधिकारी कार्यालय पर हम यही डटे हुए हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया में इस खबर को नहीं रखा जाएगा, बहुत अखबारों में नहीं छपेगी, लेकिन हमारे पास ये एकमात्र साधन है सोशल मीडिया, जिसके जरिए हम आवाज उठा सकते हैं। आप महसूस करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका वो इसी तरह चलती है कि सुबह वो खेत में काम करने जाएं या मजदूरी करने जाएं, मजदूरी करने जाएं, लेकिन आज उन सब पे रोक लग गई है और वो लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए दो टाइम का भोजन लेने के लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो किसी गुलदार का भोजन बन जाए। मजदूर खेत पर नहीं जा पा रहा है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और ये आजाद भारत है, गुलाम भारत नहीं है कि कोई सुविधा नहीं है। जैसा मैंने कहा, अगर ये ताकतवर लोगों के साथ होता तो अभी तक वहां बैरिकेडिंग लग गए होते, तार बाड़ हो गई होती, फोर्स बुला ली गई होती, बड़े बड़े। अब आपको जान का अचरज होगा कि गुलदारों की संख्या से भी कई गुना कम पिंजरों की व्यवस्था प्रशासन पे है। अभी मुख्यमंत्री जी की रैली है, लाखों लाखों रुपए उसमें खर्च होंगे, सरकारी पैसा, लेकिन गरीबों के लिए जो टैक्स देते हैं गरीब, जिनके टैक्स से सरकार चलती है, योजनाएं बनती है, उन गरीबों की सुध लेने के लिए सरकार के पास ना पैसा है ना समय। इसलिए इस क्षेत्र का बेटा होने के साथ साथ, कमजोरों की आवाज होने के साथ साथ, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस अन्याय पे मैं अपने लोगों की आवाज बनकर उनको न्याय दिलाऊं। इसलिए भयंकर सर्दी में, जहां टेम्परेचर कुछ देर में माइनस के करीब हो जाएगा, हमने और हमारे सैकड़ों साथियों ने ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी और उनपे हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, जैसे हमने मांग रखी है कि हर परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जैसे हमने मांग रखी है कि जो भी घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए की मदद हो, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है, ये अपने आप से किसी की जान नहीं गई है, ये प्रशासन, सरकार, पुलिस की लापरवाही से ये घटनाएं हुई हैं। इसलिए इसके लिए सरकार भी पूर्ण रूप से दोषी और प्रशासन भी, और इसलिए यहां के जिलाधिकारी आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा कि 3 महीने से घटना चल रही है, आपने क्या कार्रवाई करी, उनपे शब्द नहीं होंगे बताने के, इसलिए वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं, हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो मुंह छिपाए घूमे या सामने ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता की आवाज हमें उठानी पड़ेगी। जब तक हम सदन में नहीं है तब तक सड़कों पर उठाएंगे, धूप आंधी सर्दी बारिश का सामना करते उठाएंगे, और जब हम सदन में जाएंगे तो सदन के पटल पे इन बड़ी बड़ी समस्याओं को, जिनको समस्या नहीं माना गया, उठाने का काम करेंगे और जनता की आवाज बनके उनके जिंदगी में परिवर्तन कराने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय में, मेरा बहुत बड़ा बहुजन समाज यहाँ रहता है, शायद उनको भी सूचना नहीं, इस लाइव के बाद सूचना पहुंचेगी कि उनका बेटा, उनका भाई चंद्रशेखर आजाद जिलाधिकारी कार्यालय में खुले आसमान के नीचे उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठा है, और वो उनसे अपील कर रहा है कि वो आए और यहां इस आंदोलन को मजबूत करें, जिससे ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार और इनके तानाशाह अधिकारी कर्मचारी गरीबों की, कमजोरों की आवाज सुने। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, बिजनौर आसपास जो नजदीक हों, बिजनौर शहर के लोग, आसपास के लोग, वो अभी आ जाएं, और जो दूर के लोग हों वो कल सुबह जो है जिला अधिकारी कार्यालय पर जरूर पहुंचे, मैं आपको यही मिलूंगा, इस लड़ाई को, संघर्ष को आगे बढ़ाते, क्योंकि ये जनहित की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, गरीब किसान, नौजवान, मजदूरों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ना ही
उनको न्याय दिलाना ही, उनके अधिकार की रक्षा करना ही, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना ही हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम लोग यहाँ मैदान में डटे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। ये बात आपको इसलिए बतानी थी कि आज के सरकारों के लिए पूंजीपतियों की जिंदगी की वैल्यू है। कोई एक पैसे वाला व्यापारी पूंजीपति मरता है, कानून बदल जाते हैं, लेकिन 26 लोगों की जान जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम करूं, उन परिवारों के आंसू पूछने का काम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।